सबसे पहला हमने लिखा था नेचुरल रिसोर्सेस, तो इसमें इसने क्या बताया है, कह रहे हैं ऐसे रिसोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्स। और कह रहा है ये क्या करते हैं हमें, जैसे ह्यूमन बीइंग, मतलब कह रहा है इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाई एनी ह्यूमन बीइंग, ये किसी मनुष्य हम लोगों में जैसे इंसानों के द्वारा नहीं बनाए गए होते हैं, ये मतलब अवेलेबल होते हैं नेचर में। और इसमें कह रहा है ये क्या होते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक नॉन ऑर्गेनिक, जैसे वाटर है, ठीक है, सोयल है, रॉक्स है, फॉरेस्ट हैं, एनिमल हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स हैं एंड मिनरल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब जो पहले ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट होती हैं। उसके बाद हमने देखा था तो पॉल्यूशन क्या होता है, कह रहा है पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द अनडिजायरेबल चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, पॉल्यूशन को क्या कह रहे हैं हम, पॉल्यूशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो हम अनडिजायरेबल, जो चीज़ हम चाहते नहीं है वो हमारे आसपास हमारे नेचर में होती है, जो हमें हार्मफुल इफेक्ट करती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने लिखा था ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कह रहा है जैसे कुछ गैसेस जो होती हैं, सेपरल गैसेस आर प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर विच प्रिवेंट द हीट दैट एंटर द एटमोसफेयर फ्रॉम मूविंग आउट। मतलब कुछ गैसेस ऐसी होती हैं हमारे इसमें एटमोसफेयर में कि जो बहुत ज़्यादा हीट करती हैं, ठीक है, जिससे हमारा अर्थ क्या है, हमारे अर्थ वार्म होती है। कह रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ दीज गैसेस इंक्रीज द एटमोसफेयर, ये इनका जो इन गैसेस की जो क्वांटिटी मतलब जो होती है अमाउंट जो होती है, अगर वो बढ़ जाती है तो टेम्परेचर भी हमारा कभी कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है या वाटर वेपर है, इन चीज़ों के बढ़ने से ही हम क्या है हमारा एटमॉस्फेयर बहुत वार्म हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कह रहा है ये क्या करता है, एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ये चीज़ हमारी ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जैसे हमारा टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है, ठीक है, और हमारी जो सबमर्जिंग ऑफ आइसलैंड और कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर लेवल बढ़ जाए, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो हमारे मौसम की कंडीशंस है वो हमारी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है, एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे कभी कभी देखा होगा कि सूखा पड़ जाता है, ठीक है, खेती बाड़ी नहीं हो पाती, तो अगर बारिश बारिश नहीं होगी टाइम पे तो उससे एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, ये बीमारी बढ़ाते हैं, जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा बरसात होने लगी तो उसमें जब मच्छर वगैरह होते हैं तो उस समय मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारियां उसमें स्टार्ट होने लगती हैं। उसके बाद हम लोगों ने लिखा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि एनर्जी को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कि जैसे हम कम जो एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे हम घर में लाइट यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, फैन यूज़ करते हैं, तो इनकी हम सेविंग कैसे कर सकते हैं लाइट की, तो इसने बताया, कह रहा है एनर्जी कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज। ठीक है, जैसे आप एलईडी लाइट यूज़ करो, तो एलईडी लाइट क्या होती है, आजकल मोस्टली हाउसेस में क्या है, सब लोग एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, तो जो पहले बल्ब यूज़ होते थे उनकी कंपेयर में एलईडी बल्ब कम लाइट देता है, कम से कम लाइट दिन में यूज़ करो। अगर जैसे आप दिन में लाइट का यूज़ का फ़ायदा क्या है, दिन में तो लाइट वैसे भी मतलब हमें नेचुरल लाइट मिलती रहती है, ठीक है, तो उस समय आप जो है जैसे जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे जो भी हम घर में यूज़ कर रहे हैं, जैसे एसी वगैरह है या जो भी फ़ैन वगैरह है, वो एनर्जी को सेविंग के वाले हों, जैसे आजकल फ़ैन वगैरह आते हैं कम पावर यूज़ होती है उसमें, ठीक है, जब आप जब कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, जब वहाँ पर जैसे फ़ैन होता है कि हमने फ़ैन घर में खोल दिया तो वो चल ही रहा है, चाहे वहाँ पर कोई बैठा हो या ना बैठा हो, तो इससे क्या है फालतू खर्च हो रहा है, तो ऐसे मतलब जब आप कोई यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको स्विच ऑफ कर दो उस चीज़ को,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कह रहा है इसमें ये तीन चीजें होती हैं, तीन पी से बना होता है, जैसे पीपल, प्लानेट एंड प्रॉफिट। पीपल जो करते हैं सोशल, जो सोशल कल्चर इशूज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लानेट हमारे इन्वायरमेंट इशूज को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉफिट हमारा इकोनॉमिक इशूज को रिप्रेजेंट करता है। और इसको डेवलप किया गया कब किया गया था, 1987 में, ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, उसने इसे 1987 में इसको डिफाइन किया था। ठीक है, जैसे इसका मींस क्या था कि इसमें क्या था कि इसमें ये एबिलिटी है कि आगे वाली जो जनरेशन जो है वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाए, उसमें इसके कुछ रूल्स डिफाइन किए गए थे। ग्रीन स्किल्स हैं, ग्रीन स्किल्स में क्या होता है कह रहा, ये स्किल्स क्या होती है, ये प्रमोट करती है कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रीन कर सकते हैं, मतलब कैसे हम अपने साफ सुथरा उसको रख सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमें जो है एनर्जी सेव करनी है, ठीक है, और वेस्ट वगैरह मैंने उनको मैनेज करना है, तो इस टाइप की स्किल्स जो होती है वो हमारी ग्रीन स्किल्स कहलाती है।